back to my channel. This is Sakshi Dhanjal. It's been so long my vlogs nahi kar rahi thi and finally I'm started doing the vlogs and I'm out today. फिलहाल बहुत बारिश चल रही है और बहुत तूफान आ चुका है. चमोली में भी मतलब बाढ़ आ गई, मैंने आज सुबह न्यूज़ में देखा एंड पता नहीं कहाँ कहाँ बाढ़ आ गई. सो चलते हैं आज नए सफ़र के लिए. अभी तो दूर नहीं जा रही, अभी तो दिल्ली के आसपास ही. सो मैं जा रही हूँ कुछ दिल्ली से 200 किलोमीटर के अंदर अंदर, जो रास्ता है 3 घंटे का और मेरे घर के बैक साइड से निकलता है ईस्टर्न पैराफेरल से. नहीं नहीं यार, मैं अम्बाला चंडीगढ़ नहीं जा रही हूँ, कुछ अच्छा गैस कर लो इस बार गाइस. सो कहाँ जा रही हूँ कुछ गैस करके बताओ. हाँ मैं एक हिंट दे देती हूँ, शायद आपको पता चल जाए. मैं फोर्ट की तरफ जा रही हूँ. फोर्ट्स कहाँ होते हैं बेसिकली. सो जस्ट हम अपनी लोकेशन पे पहुँचे हैं और देखो गाइस बारिश हो रही है. कितनी प्यारी बारिश है. अगर मैं अपना पैर भी बाहर रखना चाहूँ गेट खोल के, बाय और वो तेज है तो मैं वो भी नहीं कर सकती आज के दिन. नहीं 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 नो मुझे. सो फाइनली रीचिंग निमराना पोच. बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है, हम हल्का हल्का भीग रहे हैं. आशीष यही गाड़ी चलती हुई देखी थी तूने अभी रोड पे, ये टेस्ट ड्राइव के लिए जाती है रोज. एंड हियर वी गो फीचर. मैंने शक्ल में शूज़ ही ना पहने, ये गीली होगी तो चलेगा, शूज़ गीले होगा तो नहीं चलेगा गाइस, वाटरप्रूफ नहीं है. फाइनली सो दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया जहाँ से एंट्रेंस है. डेंटस इज एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल. और जो लंच टाइमिंग है वो 12:30 से 2:30 बजे की है. और उसके अलावा अगर आप मेरे लेफ्ट साइड ये एरिया देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा शॉपिंग के लिए आपको अगर जाना है तो नीचे की तरफ है चीज़ें, बट इट्स वे अवे कॉस्टली. और जैसा कि मैं भीग चुकी थी हल्का. सो आई वॉज़ लाइक कि पहले मैं थोड़ा सा ड्राई हो जाऊँ. तो हम लोगों ने पहले प्लान करा, क्योंकि हम 1:30 एंटर कर रहे थे, कि पहले हम सीधा खाने के लिए कुछ चलते हैं. एंड उसके अलावा अगर आप ये जगह एंटर कर रहे हो और आप फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करवा रहे तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो. तो गाइस हमारे यहाँ के चार्जेस लगे हैं 3,400 for 2 persons, 1,700 एक बंदे का. और अगर आप ये रुकना चाहते हो तो 7,500 का भी रूम है, तो 40,000 तक का रूम है. मतलब 7,500 से 40,000. वो बड़ा शाही फील ना. प्लस पता है यहाँ पे जो लंच है वो 12 बजे स्टार्ट होकर 2:30 बजे ख़त्म हो जाता है, जो आपके 1,700 की थाली में इन्वॉल्व है. लुक एट दिस. सो ये है एंट्रेंस. अब वहाँ लिखा हुआ कीप साइलेंस, हम उस तरफ जा सकते हैं. आई एम प्रीटी श्योर बिकॉज मैं लास्ट टाइम गई थी. और 4 बजे ये जगह एक्चुअली में बंद हो जाती है. सो अगर आप प्लान कर रहे हो तो अपनी वजह से अकॉर्डिंगली प्लान करना. वाह वॉट अ व्यू. सो आई वेंट टू द वॉशरूम बट मैंने अभी चेंज नहीं करा. आई विल चेंज फॉर द शूट. जाके जहाँ तक कि यहाँ परमिशंस नहीं है शूट्स की, 50,000 रुपये मांगते हैं लोग वेडिंग शूट्स का. सो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ एक्चुअली फूड एरिया, जो कि है स्विमिंग पूल के पास. एंड इनकी काफ़ी चीज मतलब यू नो, लास्ट टाइम मैं जब आई थी ना तो मुझे कुछ याद ही नहीं क्योंकि बहुत साल हो गए आए हुए. बट लुक एट दिस ब्यूटी. मॉनसून में आए थे और जगह ये सुंदर लग रही है. एंड दैट्स द लंच एरिया सामने की तरफ. वाह लुक एट दिस वॉल्स, इज़न्ट दिस अमेजिंग. एंड लेट्स जस्ट walk in this. होता है. हाउ इज द किला आशीष?
अनएक्सपेक्टेडली बिग मतलब ऐसा लग नहीं रहा था ना जब हम गलियों से आ रहे थे कि दिस गोना बी इतना बिग. आई नो आई टोल्ड यू बहुत बड़ा है. लेट्स गो टू द लंच एरिया and that's the area of this swimming pool but we are not allowed it, only you know in the house people are allowed it. Chal photo khichte hain, chalo pakad isko. So that's for the food, the papad, the curd, the cucumber and the raita, and we have the all over yahan pe pura yahan ka cultured plus semi cultured food. And let's just pick up. Aaja so we have the soups. I don't want soup. मेरी गलती नहीं है फोटो. देखो इसलिए हम मोटे हो गए. लेट फॉर दी यू नो लंच, इसलिए मैं मोटी होती हूँ. मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ बट व्हेन आई कवर द फूड तो मुझे लगता है मैं मोटी हो जाती हूँ. माय गॉड, ये 1700 रुपया कॉस्ट करा है. एंड दैट्स फॉर मीठा गाइस, द बैक डोर पेस्ट्री, द केक. हेलो, हाय. नो 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 नो, जस्ट हैव इट. एंड दिस इज समवेयर the cinnamon roll puddings. Okay, this is a pudding, this is coconut laddu, and here we go, that's the pastry. And my brother is still picking up the food. It's just started without my brother. So that's the dining area guys, basically not the dining but lunch area. That's my brother. So brother yahan 1700 worth karta hai na ek jane ka. ओवर फूड में ऑप्शन बहुत है. अच्छा, बाकी अभी मेरे को और चीज़ें देखनी है, अब तो पता चलेगा. अभी और चीज़ें देखनी तब पता चलेगा. फाइन, ओके. मैं ये क्या क्या लेकर आ गया, तो सारी एक डिश ले आ रहा है ना उठा के. तो नवाब हो चुका है, तो नवाब हो चुका है भाई. चल ट्राई कर, क्या ट्राई करें सबसे पहले. कोकोनट का लड्डू ट्राई करते हैं. ओह, कोकोनट का लड्डू ट्राई करो. बड़ा सॉफ्ट है. हाँ, कोकोनट इज सॉफ्ट बढ़िया. मैंने गलती से जैम डाल दी, मैंने पता नहीं था वो जैम कहाँ पे. जैम कहाँ है. जब हम लोग लंच कर रहे थे तो फिर से बारिश हो गई. एंड लुक एट दिस प्लेस, हम भागते भागते गए थे लंच के लिए. इट लुक मोर एंड मोर ब्यूटीफुल. तो इस टाइम तक मैंने अपने भाई को पूरा इरिटेट कर दिया था शूट्स के चक्कर में. बट ही इज सो हेल्पफुल एट द एंड ऑफ द डे. ही हेल्प मी टू शूट, ही हेल्प मी टू कवर द प्लेस एंड द फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब उसने देखा. वही था जो मेरे पीछे पीछे कैमरा लेके घूम रहा था. आई एम सो ग्लैड टू हैव माई ब्रदर. वो भी ऐसा भाई. सो गाइस, ये है यहाँ का रूम एंड दिस इज दी दीवा रूम. एंड दिस इज एक्चुअली इज अमेजिंग. वो व्हाट अ ब्यूटी एंड व्हाट अ अमेजिंग इवनिंग. 4:06 और हमें यहाँ से भागना होगा बिकॉज वी आर नॉट स्टेइंग हियर. एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन जाएंगे हम अपनी. अभी हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन आज ही जाएंगे. सो हम कल भी निकल सकते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए घर से. बट दिस प्लेस इज so we had a great experience with Nimrana. हाँ, हम यहाँ नहीं रुके, so I can't able to show you insides of the room.
जब सीरियसली है कि मैं 40,000 वाला रूम एक बार जाके तो देख लूँ। एंड सामने पता है ये जो एरिया है ना, दिस इज़ परफॉर्मेंस एरिया काइंड ऑफ डांस एंड काइंड ऑफ वाला, दिस इज लाइक ब्रेड टेकिंग प्लेस राइट। चलो लेट्स रोल बैक। सो गाइस दिस इज 3 लाख काउ फ्रॉम त्रेता युग। सो इट्स टाइम टू गो होम गाइस एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम। भाई मीठा बहुत सही था मगर ट्रस्ट मी, तो तूने लास्ट में खिलाया ना वो वाला मीठा, बाकी फूड तो एवरेज ही था, बाकी फूड एवरेज था बट पास्ता वाज गुड आशी, पास्ता वाज एक्चुअली गुड। यहां भी भरा पड़ा, आगे चलते हैं। दिस इज फुल एक्चुअली। सो कल हमारा नया जगह जाने का प्लान है, सो गाइस स्टे ट्यून। और अभी हम घर ही जा रहे हैं बिकॉज अभी सिर्फ 4:30 हुआ है, सो इट्स लाइक 1.5 घंटे में, मतलब यहाँ से 3 घंटा शो कर रहा है बट मेरा भाई मुझे पता है कि 2 घंटे में घर पहुँचा देगा। सो लेट्स जस्ट मूव टू होम एंड टेक रेस्ट एंड टुमारो फॉर अ न्यू प्लेस। एंड हाँ, अभी मैं राजस्थान ही कवर करने वाली हूँ कुछ टाइम तक। Thank you so much for watching. See you in the next vlog super soon.